हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस उपदेश। माय नेम इज हर्षवर्धन सिंह। आज हम जो है वो एसएसबी प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डे वन ऑफ एसएसबी प्रोसीजर। दिस इज नोन एज स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट सुबह 6 बजे स्टार्ट होता है, तो जिन लोगों की रिपोर्टिंग दोपहर में 2 बजे होती है उनका स्क्रीनिंग नेक्स्ट डे यानी कि अगले दिन की सुबह 6 बजे से स्टार्ट होगा, और जिन लोगों की रिपोर्टिंग अक्सर टेक्निकल एंट्रीज में जो सुबह 6 बजे होती है उनकी स्क्रीनिंग सेम डे इमीडिएटली होगी। सो बेसिकली 6 in the morning से ये प्रोसीजर स्टार्ट होगा और तकरीबन 12-1 बजे तक ये प्रोसीजर एंड होगा। इसके बाद में जो कैंडिडेट्स रिटेन कर लिए जाएंगे, जो वहां पर रोक लिए जाएंगे, वो फर्दर टेस्टिंग के लिए रुकेंगे और बाकी लोगों को घर भेज दिया जाएगा। इसी प्रोसीजर को स्क्रीनिंग टेस्ट कहा जाता है। सो स्क्रीनिंग टेस्ट कंप्राइजेज ऑफ 2 पार्ट्स, इसके 2 हिस्से हैं। फर्स्ट पार्ट इज नोन एज इंटेलिजेंस टेस्ट या OIR टेस्ट जिसको बोला जाता है। इसके अंदर टोटल 40 questions का एक सेट रहेगा जिसके अंदर आपको वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग के 2 अलग question papers को सॉल्व करना होगा। एंड ये बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ही बेसिक लेवल का रीजनिंग टेस्ट होता है जिसके एग्जांपल्स जो हैं वो आप नेट पे सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट इज PPDT टेस्ट, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। ये टेस्ट जो है वो आपकी बेसिक स्क्रीनिंग का जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट के अंदर एक पिक्चर दिखाई जाती है और उसके बेस पे उनको एक स्टोरी लिखनी होती है। जैसा कि इसके नाम में लिखा है डिस्क्रिप्शन टेस्ट, तो डिस्क्रिप्शन यानी कि आपको उसके ऊपर एक GD करना होता है। इसका पूरा प्रोसीजर हम समझेंगे। आपको एक हॉल में बैठा दिया जाएगा, आपके चेस्ट नंबर यानी कि आपके चेस्ट के ऊपर एक नंबर आपको पहनना होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको रो वाइज बैठा दिया जाएगा और आपको एक शीट अलॉट की जाएगी जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस शीट के कॉर्नर के अंदर एक बॉक्स है और साथ में लिखा होता है एक्शन और नीचे लिखा होता है स्टोरी। इस तरीके से ये बेसिक डिटेल्स जो हैं वो इस शीट के अंदर लिखी हुई होती हैं। इसके बाद ऑफिसर्स आपको बेसिक ब्रीफिंग देंगे कि आपको किस तरीके से स्टोरी लिखनी है। देखिए, याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ये है, आपको पिक्चर को डिस्क्राइब नहीं करना है, आपको स्टोरी लिखनी है। आपको ये लिखना है कि इस पिक्चर के आसपास क्या हो रहा है, जो भी पिक्चर आपको दिखाई जा रही है उसको देखकर आपको उसके इर्द गिर्द एक कहानी बुननी है, एक स्टोरी बनानी है। यही इस एक्सरसाइज का मेन फोकस है। तो जो बॉक्स आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इस बॉक्स के अंदर आप अपनी स्क्रीन के अंदर जो पिक्चर देख रहे हैं उसको एक तरीके से यहाँ पर दर्शाना है, दिखाना है। उसके बाद में जो स्टोरी यहाँ पे लिख रहे हैं आप या जो आपके दिमाग में थीम आई है उसकी जो हेडलाइन है, हेडिंग है, एक्शन यहाँ पर लिखा हुआ है उसमें आपको लिखनी होती है। और नीचे जहां से आपकी स्टोरी स्टार्ट हो रही है वहां से आप जो है वो शुरू कर सकते हैं कि किस तरीके से आपकी स्टोरी आगे बढ़ेगी। GTO अपने इंस्ट्रक्शन में या साइकोलॉजिकल ऑफिसर अपने इंस्ट्रक्शन में ये बात साफ कहेंगे कि देर आर 3 पॉइंट्स। देखिए, 3 पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 पॉइंट्स टू द मेजर राइटिंग ऑफ अ स्टोरी, वॉट हैज लेड टू द सिचुएशन यानी कि अभी तक क्या हुआ है, वॉट इज करंटली हैपनिंग इन द पिक्चर यानी कि पिक्चर में क्या हो रहा है, और वॉट विल बी द आउटकम यानी कि इस कहानी का खात्मा या कंक्लूजन किस तरीके से होगा। आपको अपनी स्टोरी को इन 3 पॉइंट्स के बेसिस पर लिखना है। ये 3 पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप ये स्टोरी लिख चुके होंगे तो लगभग 3 मिनट से 4 मिनट के टाइम के अंदर आपको अपनी स्टोरी को खत्म करना है। घड़ी पहनने की इजाजत आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी, इसलिए टाइम को प्रॉपरली मैनेज करना जरूरी है। इसके बाद आपसे ये शीट्स कलेक्ट कर ली जाएंगी और आपको हॉल के बाहर भेज दिया जाएगा। उसके बाद आपको 15 से 20 मिनट का या आधे घंटे का ब्रेक मिल सकता है। इस ब्रेक के बाद में आपको अलग अलग छोटे ग्रुप्स में बांट दिया जाएगा, जिसमें एक ग्रुप में 15 से 20 स्टूडेंट्स तक हो सकते हैं या कैंडिडेट्स तक हो सकते हैं, और इन कैंडिडेट्स को सेमी सर्किल फॉर्मेशन के अंदर बैठा दिया जाएगा। और यहाँ पर सामने 3 चेयर्स रखी होंगी, यहाँ पर 3 ऑफिसर्स जो हैं वो आपके सामने आकर बैठेंगे और ये आपको इंस्ट्रक्शन देंगे कि हर एक कैंडिडेट को उनकी कहानी जो उन्होंने लिखी है उसको वापस जो है वो दिया जाएगा, स्टोरी को वापस दिया जाएगा, और वो उस स्टोरी को पढ़ के अपनी स्टोरी को यहाँ पर जो है वो सुनाएंगे। कैंडिडेट
1 से लेकर कैंडिडेट 20 तक लाइन बाय लाइन, टर्म बाय टर्म जो है एक के बाद एक अपनी स्टोरी को सुनाते जाएंगे और बैठते जाएंगे। कोशिश ये करनी है कि आपको अपनी स्टोरी शॉर्ट से शॉर्ट टाइम के अंदर और छोटे से छोटे शब्दों के अंदर सुनानी। इसके बाद में जैसे ही आखिरी व्यक्ति अपनी कुर्सी पे बैठ जाएगा, अपनी सीट पे बैठ जाएगा, उस वक्त आप सभी लोग जो हैं वो सब आपस में उस स्टोरी को लेकर डिस्कशन चालू करेंगे और इसी को PPDT पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट कहा जाता है। इस डिस्कशन का उद्देश्य लक्ष्य है कि आप सब लोगों को मिलकर जो स्टोरी पे डिस्कशन हुआ है उसको लेकर एक कॉमन स्टोरी बनानी। 10 से 15 मिनट के डिस्कशन के बाद में आपको रोक दिया जाएगा और आप में से किसी एक आदमी को खड़ा होकर उस कहानी को सुनाने के लिए या उसकी एक कंबाइन कहानी, एक जो कंक्लूडिंग कहानी है वो सुनाने के लिए कहा जाएगा और उसके बाद आप सब लोगों को बाहर भेज दिया जाएगा। थोड़ी देर के बाद आप सबको हॉल में बैठाया जाएगा और कुछ लोगों को यहाँ पर नाम लेकर बुलाया जाएगा, चेस नंबर के नाम से बुलाया जाएगा और उन लोगों को जो है वो यहाँ पर रोक लिया जाएगा आगे की टेस्टिंग के लिए और बाकी लोगों को घर भेज दिया जाएगा। इसी प्रोसेस को स्क्रीनिंग टेस्ट कहा जाता है। इस वीडियो के सेकंड पार्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि स्क्रीनिंग में कैसे आपको बिहेव करना है, क्या आपके डूज एंड डोंट्स हैं और कहां कहां पर आपको किस तरीके से क्या गलतियां नहीं करनी है। ऑल्सो आई विल बी गिविंग टिप्स, पॉइंट शेयर करूंगा जिसकी हेल्प से मैं हमेशा स्क्रीनिंग हो पाया। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको कोई और क्वेश्चंस हैं यू कैन राइट इन द कमेंट। ऑल्सो यू कैन ज्वाइन डिफेंस उपदेश टेलीग्राम चैनल जिसपे डिफेंस एग्जामिनेशन से जुड़ी हुई और SSB से जुड़ी हुई, करंट अफेयर से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन रेगुलरली अपडेट होती है। थैंक यू।